तो गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे आप लोग। और ये देखिए, हमारी मम्मी बैंगलोर से रिटर्न होकर के आई हुई हैं, तो यहाँ पे ये पूरी दुकान खोल करके बैठी हुई है। आ गई, आ गई। तो इनसे पूछते हैं वहाँ का एक्सपीरियंस कि आपको कैसा लगा वहाँ पर। तो बताओ मम्मी, कैसा लगा आपको वहाँ पर? हमको बहुत अच्छा लगा। इतना अच्छा लगा कि हम बता नहीं सकते। अच्छा, आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इतना अच्छा लगा। वहाँ का वेदर इतना बढ़िया कि बताइए, हमारे बेटे के कमरे में एकदम स्लो फैन चलता था। अच्छा, लेकिन इतना चिल्ड मौसम रहता था, धूप का तो नामो निशान है। कभी कभी निकलता है, ऐसा नहीं कि धूप निकलता नहीं, निकलता है, लेकिन कमरे में जैसे लग रहा है कि एसी चल रहा है। अच्छा, मतलब वेदर बहुत चिल्ड रहता था। ऐसा फील हो रहा था कि एसी रूम में बैठे हैं। और अब वहाँ तो चीज तो बहुत है, इतना सामान कहाँ नहीं घुमाया। जितना भी उसको समय मिला, मैंने ऑफिस ड्यूटी करते हुए भी जितना भी बच्चे को समय मिला, हर जगह ले गया हमको। यहाँ तक कि मूवी भी दिखाया। अच्छा, गदर टू, गदर पीवीआर ले गया। और नीचे शॉपिंग, बोला मम्मी जो भी कुछ आपको लेना है। हम तो बहुत सा ड्रेस पहने, लेकिन बहुत सा ड्रेस में हमको पसंद नहीं आया। मतलब चेक तो बहुत ट्राई, बहुत चेक किए, लेकिन जो अपने मन का चाह रहे थे मिला ही नहीं। बेटा बहुत परेशान हो, मम्मी क्या चाहिए आपको? हमको बेटा परेशान ना हो, देखो दिलाना और पहनाना तुम्ही लोग को है, चाहे यहाँ से करो चाहे वहाँ से, पेमेंट तुम्ही लोग को करना है, तो जबरदस्ती का क्यों ले? हाँ, जब नहीं पसंद, जब पसंद ही नहीं है तो जबरदस्ती के लेने का कोई मतलब नहीं है। जबरदस्ती लाके रख दो अलमीरा में। हम ड्रेस वही लेते हैं जो हमको अच्छा लगता है पहनना, सोचते हैं जो हमको अच्छा लग रहा है, ऐसे जबरदस्ती नहीं। हाँ, पापा लिए, पापा के लिए शर्ट, पापा को पसंद आ गया तो पापा लिए, अपने बेटी के लिए भी कपड़ा लिए। तो पापा क्या बोले मम्मी? थोड़ा सा फनी था पापा का। दोस्तों, पापा जो है, पापा के लिए भाई शर्ट लिया, 3,500-4,000 का जो भी था। तो पापा बोले, अरे इतने में तो हम कम से कम 30 सेट खरीद लिए हुए। तो उनकी बात सुन के बड़ी हंसी आई कि पसंद आ गया। और हम तो इतना ड्रेस लिए पहने भी, लेकिन हमको नहीं पसंद है। अब पापा, आदमी लोग का यही है, सामने हम लोग वहीं बैठे थे, लोग सोचे कि पापा पसंद हो जाएगा तो अपना पहन के जरा हम लोग को ट्रायल रूम में गए और चेक करके हम लोग को दिखाएंगे। पसंद कर लिए, अपने आप देख लिए ट्रायल रूम में, फिर कपड़ा फोल्ड करके हम लोग को दे रहे हैं। हम लोग इतना हंसे कि हम लोग ट्रायल रूम के ठीक सामने खड़े थे, हम लोग देख, पापा पहन के निकलेंगे तो हम लोग देखेंगे, हम लोग को दिखाएंगे। अच्छा, अंदर ही पहन के अंदर ही फोल्ड करके निकाल दिया आप लोग को? नहीं, वो मतलब ट्रायल का मतलब वो खुद ट्राई की, उनको सही लगा कि नहीं, जिसको पहनना है उसे पसंद आया कि नहीं। फिर बोलने लगे, कहा हा तू लोग इतना छाटा तू, इतना छाटा तू, लोग कौन पसंद है ना? एक बार वही बेटा बोलने लगा, देखो मम्मी पापा तुरंत लिए, तुरंत पसंद किए, तुरंत निकल आए। लेडीज तो भाई देखो, सचमुच कोई बनावटी बात नहीं है, लेडीज को तो कहीं भी ले जाए उनके मन पसंद का चीज मिलता ही नहीं। तभी आदमी लोग ना परेशान हो जाते, अपने साथ ले जाना नहीं चाहते है। कई लोग का दुनिया का कपड़ा निकलवा लेंगी, पूरा दुकान उलट के हम लोग के सामने रख देगा, लेकिन हम लोग को पसंद नहीं आता। अब तो मॉल में तो है सारे कपड़े, सारे वेरायटी, सारे ब्रांड के टंगे हुए हैं, जिसका मन है जो पसंद कर लिया, गया अपना ट्रायल रूम में चेक किया, अच्छा लगा तो भाई लिया, नहीं अच्छा लगा तो फिर अपना रख दिया। आपको दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए मम्मी बहुत ढेर सारा आइटम लेकर के आई हैं, तो ये आपको दिखाती हैं। ये तो आप पहन करके आई थी, तो यहाँ से हम पहन के गए थे। अभी सब धुलना है। अब धुलने वाला कपड़ा देखिए अलग अलग, डर भी लगता है ना कि व्हाइट कपड़े में मिला के धुलते नहीं वॉशिंग मशीन में। जो हाथ से धुलने वाला है उसको हाथ से धुलते, मशीन में नहीं डालेंगे, इसको खराब हो जाता है, कलर भी छूट जाएगा। सब है कपड़ा, ये भी सब आया था ऑनलाइन ही, ये तो ऑनलाइन आया था। देखिए ये बेटी के लिए लिए थे, बेटी का टी शर्ट बहुत अच्छा है, थैंक यू फॉर दिस। इनके लिए एक लेगी भी लिए थे, टी शर्ट है। अच्छा लग रहा है, कलर ग्रे कलर है, अच्छा लग रहा है। हर कलर का पहनना चाहिए ना। अभी होगी तो लगेगा कि हरदम एक ही कलर अच्छा है। ये हम सैंपल लिए थे क्योंकि हम बाद इस बार बताए थे आप लोग से कलर करवाए थे, तो कलर करवाए तो हम लोग जैसे डव हुआ, कोई भी बढ़िया शैम्पू ब्रांड का यूज करते हैं, तो
जो पार्लर में गए थे तो वो बता रही थी कि जब भी भाभी शैंपू लीजिए तो ये देखिए। हाँ तो एक्चुअली क्या है ना कि आपने कलर बाल में करवाया तो ये कलर के अकॉर्डिंग ये शैम्पू है आपका, ये ज्यादा मतलब हार्मफुल नहीं है, ये आपके बाल के लिए ज्यादा बेस्ट होगा। सही से लिए, ठीक है, ये भी लिए हम वहीं से। अच्छा ये डेकोरेशन हाँ। के लिए है, अच्छा लग रहा है। तो बहुत अच्छा अच्छा था। आर्किया माल में हम लोग गए थे, आर्किया में बहुत बड़ा था। बेटा बोला ये बंगलोर में है और दूसरा हैदराबाद में और तीसरा दिल्ली में खुलने वाला है। अच्छा। बहुत बड़ा, समझ लीजिए कि जिधर से हम लोग निकल रहे हैं सोच रहे हैं कि इधर एंड होगा, लेकिन एंड की कुछ न कुछ लगा हुआ है, बहुत बड़ा है। कभी मौका मिले तो आप लोग भी जाइए और देखिए, बहुत अच्छा। हर वेरायटी, हर किस्म का क्या चीज नहीं है, किचन कितने वेरायटी का माने सजा के दिखाया है भाई। जो वहां के हैं वहां के लिए ठीक है, क्योंकि बहुत से सामान एकदम ग्लास का है, शीशे का, तो हम लोग तो ला नहीं सकते यहाँ सामान, तो भाई नहीं लाए, देख कर भी लाए हैं, अब अपने यहीं से लेंगे डेकोरेशन के लिए। हाँ, डेकोरेशन के लिए फ्लावर लाए, एक रोज एक सनफ्लावर है ना। एक बेटा अपने फ्लैट के लिए भी लिया है।